ये लास्ट वीडियो में उन्होंने टू मशीन का सीक्वेंसिंग देखा था, तो बाकी के जो टू मशीन थे तब से वो आपके अनुभव थे। अभी हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर सिक्स से, सिक्स और सेवन। सिक्स में दो सम्स है, सेवन में वन सम, तीन सम्स आपको दिया हो, तीन मशीन सीक्वेंसिंग, तीन मशीन सीक्वेंसिंग होगा, यहाँ पर तीन मशीन दिया जाएगा, आपको टाइम दिया होगा आरसी। अब सबसे पहले तो कंडीशन चेक करनी है कि ये सब पॉसिबल है या नहीं। कंडीशन कैसे चेक करनी है, आपको मिनिमम निकालना है ए का, ए का मिनिमम कितना है फाइव, मैक्सिमम निकालना है बी का, दैट्स फाइव, सी का मिनिमम है थ्री। अब बी या तो ए का मिनिमम या तो सी का मिनिमम, जो फाइव है, जो मैक्सिमम ऑफ फाइव मैक्सिमम है ना बी का, उससे बड़ा या इक्वल टू होना चाहिए। कंडीशन क्या है, मिनिमम ऑफ ए और मिनिमम ऑफ सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी, तो ही आपका सीक्वेंसिंग पॉसिबल होगा। तो मिनिमम ऑफ ए मिनिमम ऑफ सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी। तो अभी यहाँ पर हमारा फाइव है, दोनों सेम, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मिनिमम ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी इज सेटिस्फाइड, द प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू द टू मशीन प्रॉब्लम। अभी ये जो तीन मशीन प्रॉब्लम है सीक्वेंसिंग के लिए हम लोग तीन मशीन यूज नहीं करते, पहले हम उसको दो मशीन में कन्वर्ट करेंगे, फाइनल के लिए हम वापस तीन मशीन यूज करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमने दो आर्टिफिशियल फिक्टिशियस मशीन अज्यूम की जी और एच, जी को लिखेंगे ए प्लस बी, ए और बी का दो का टाइम ऐड कर लेंगे, एच में करेंगे हम बी और सी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा जॉब्स वन टू थ्री फोर फाइव, ये जो दो मशीन में कन्वर्ट करें ना ये सिर्फ सीक्वेंस फाइंड करने के लिए ही करें, उसके बाद जो टेबल बनता है उसमें तीन मशीन ही यूज करेंगे। पहले हमने क्या किया, कंडीशन चेक की, उसके बाद हम सब को दो मशीन में, दो मशीन में कैसे जी और एच, जी ए प्लस बी, अब ए प्लस बी है फाइव प्लस टू सेवन फर्स्ट का, सेवन प्लस वन एट, सिक्स प्लस फोर टेन, नाइन प्लस फाइव फोर्टीन, अभी एट, अभी बी प्लस टू, थ्री प्लस दो पांच, आठ नौ ग्यारह और ये दस। तो यहाँ पर हमारा जो सम है वो दो मशीन में कन्वर्ट हो गया। अब दो मशीन के बाद तो हम सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं, तो फॉलोइंग सीक्वेंस कैन बी ऑब्टेन, सीक्वेंस सीक्वेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास कितना है पांच जॉब है, पांच कॉलम, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। अभी सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, पांच, कौन सा है सेकेंड रो का, तो सेकेंड रो मतलब हमको कहाँ लिखना पड़ेगा पीछे, तो पांच है सबसे छोटा और ये बिलोंग करता है सेकेंड रो में जॉब वन, जॉब वन आ जाएगी आपका लास्ट रो, सेकेंड रो लास्ट कॉलम। अभी फर्स्ट जॉब को छोड़ दो, सेकेंड थर्ड फोर्थ में तो बहुत सारे आठ पिक रहे, कोई भी ले सकते हो, तो पहले अगर मैंने ये लिया तो ये है फर्स्ट रो में, फिफ्थ जॉब है यहाँ पर, उसके बाद ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हो, तो टू को आप यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, दोनों चलो मैं यहाँ पे, उसके बाद बचा नौ तीन और फिर बीच में, तो ये आपका सीक्वेंस बन गया फाइव टू फोर थ्री वन। अल्टरनेटिव भी बन सकता है इसका, तो अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, अल्टरनेट में पहले तो हमेशा वन जॉब ही आएगी पीछे से, उसके बाद कुछ आठ 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 है ना वो कहीं पर भी हो सकता है, अगर मैंने ये वाला ले लिया तो टू आपका यहाँ पर आ जाएगा और फाइव यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद में थ्री सेकेंड में आएगा और फोर यहाँ पर, अभी जॉब जो होगी ना वो जो फाइव टू है, फाइव का मैंने फर्स्ट रो लिया यहाँ पे, टू में मैंने सेकेंड की जगह फर्स्ट रो लिया, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, सॉरी फर्स्ट रो की जगह पर सेकेंड रो, सेकेंड रो, सेकेंड रो यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या ऐसे सेम्स किए आते हैं, आप कोई भी एक अल्टरनेटिव सीक्वेंस यूज कर सकते हो। ये कब आता है अल्टरनेटिव, जब आपका सेम सेम रहता है तो हम कोई भी ले सकते हैं, पहला वाला रो दूसरा वाला रो, तो अभी हम लोग ये पहले वाले रो पहले वाले सीक्वेंस को लेकर अपना सम सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जॉब सीक्वेंसिंग बनाया था फाइव टू फोर थ्री वन बोले था, अब क्या टेबल हमारी टेबल तीन मशीन का है, अगर हम अपने नॉर्मल मेथड से करने जाएंगे और मुझे जहां तक लगता है नॉर्मल मेथड कंफ्यूजिंग था आपके लिए, तो मैं एक शॉर्टकट मेथड पढ़ता रही, दोनों में यूज कर सकते हैं, दो मशीन वाले समय भी और तीन मशीन वाले समय भी। अब शॉर्टकट में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक एक मशीन का पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे। अब हमारे पास है फिफ्थ जॉब और बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बाद में रख कर देंगे। फिफ्थ जॉब में आप देखोगे पांच तीन सात,
हमने टाइमिंग लिखी सबके मशीन की। सेकेंड जॉब का टाइमिंग है 7:1। फोर्थ जॉब का है 9:56। थर्ड जॉब का है 6:45। ये सब फटाफट करेंगे, शॉर्ट में स्कूल में रफ करना, सिर्फ पेंसिल से लिखना है, ये तो बार बार सम चेक करना पड़ता है। ठीक है, अभी हम सिर्फ मशीन ए पर ही कॉन्सेंट्रेट करें। मशीन ए के लिए पहला बड़ा है, मशीन ए 0 में आई हुई, अभी इसको टाइम कितना लगा, 5 मिनट, 5 मिनट आउट। अब जितने में आउट हो रही उतने में ही हो जाएगी। सेकेंड के लिए कितना लगेगा, 7, 7, 5, 12। फिर 10। फोर्थ में कितना लगा, 9, 9 और 12, 21 पे नहीं होगी। थर्ड में कितना लगा, 6 मिनट, 27 के लिए वापस हो जाएगी। लास्ट में कितना लगा है, 5, तो यहाँ पर ही जाएगा आपका 32। ये हमारा पहला मशीन का कंप्लीट। सेकेंड मशीन इन तो 5 में ही होगी। अब सेकेंड मशीन है, सेकेंड बीच वाला जो कॉलम था वो देखते हैं, 5 + 3, 8। अभी कंपेयर करें, आउट हो रही 8 में, पर ये सेकेंड जॉब को खत्म कब कर रहा है, 12 पे, तो आउट इन कब होगा, 12 पे। इसका आउट और इसका इन, विच एवर इज हायर, सॉरी इसका आउट और इसका आउट, दोनों का आउट चेक करें पॉस्टर्स में, विच एवर इज हायर। अभी सेकेंड जॉब को कितना लगा है, 1 मिनट, 13। वापस चेक करेंगे, 13 और 21 में से हायर हो रहा है, 21। बीच वाला कितना है, 5, ये हो गया आपका 21 + 5, 26। वापस 26 और 27, 27 + 4, 31। वापस चेक कर, 32, 32 + 2, 32। अब आ गए तीसरी जो मशीन है वो भी इन तो 8 नहीं करेंगे, लास्ट वाला 8 + 7, 15। वापस चेक, हायर 15 + 7, 5, 6, 7, 32, 32 + 6, 32, 36, 37, 37 + 37, 37 + 40, 40 + 33, 40, 32 + 6, 40, 32 + 6, 40, 32 + 5, 30, 7, 37 + 30, 40, 40 + 5, 37 + 30, 40, 40 + 5, 37 + 30, 40, 40 + 5, 37 + 30, 40, 40 + 5, 37 + 30, 40, 40 + 5, 37 + 30, 40, 40 + 5, 37 + 30, 40, 40 + 5, 37 + 30, 40, 40 + 5, 37 + 30, 40, 40 + 5, 37 + 30, 40, 40 + 5, 37 + 30, 40, 40 + 5, 37 + 30, 40, 40 + 5, 37 + 30, 40, 40 + 5, 37 + 30, 40, 40 + 5, 37 + 30, 40, 40 + 5, 37 + 30, 40, 40 + 5, 37 + 30, 40, 40 + 5, 37 +
टाइम हो रहा हूँ फर्स्ट जो मशीन है उसके आउटर टाइम से कंपेयर करने का विच एवर इज हायर। और साइड में ये देखी ले लिया तो फटाफट देगा तो बार-बार क्वेश्चन लिखना पड़ता है। यहाँ से भी रफ कर देगा और हम फाइनल आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट टाइम है आपका 40 आवर्स। आइडियल टाइम यहाँ पर तीन मशीन तीनों मशीन का आइडियल टाइम और फॉर्मूला एक टाइम ही लिखते हैं। लैप्स टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम, जो भी मशीन का आइडियल लेना है उसी का प्रोसेसिंग टाइम। ए बी सी लैप्स टाइम तो सबका 40 है हमारा। माइनस हाँ मशीन ए 5, 7, 6, 9, 5 5, 7, 6, 9, 5 इसका टोटल आ जाएगा 7, 5, 12, 5, 11, 9, 32 बी का 2, 1, 4, 5, 3 2, 1, 4, 5, 3, 3, 5, 10, 10, 4, 14, 15, 20, 5। मशीन बी का सबसे ज्यादा क्यों आ रहा है क्योंकि मशीन बी में बहुत कम टाइम लग रहा है, सिर्फ 2 मिनट 1 मिनट ऐसे ही लग रहा है, इसलिए बहुत आइडिया बैठी। मशीन सी 3, 7, 5, 6, 7 अभी जो भी मैंने शॉर्टकट बताया था वो आप दो मशीन वाले में भी कर सकते हो। एक्चुअली मेथड वही है कि एक मशीन का कर ले जाओ, लेकिन तो फर्क नहीं पड़ता फाइनल आंसर से। मतलब हमने क्या किया था, मशीन वन को पहले कम्प्लीट किया, फिर मशीन टू को कम्प्लीट किया, फिर मशीन थ्री को कम्प्लीट किया।
तो ये हो गया आपका पूरा सम। एक बार आपका स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने मिनिमम ऑफ ए, मैक्सिमम ऑफ बी, मिनिमम ऑफ सी निकाला, फिर कंडीशन चेक की कि भाई दोनों का जो मिनिमम है वो बी के मैक्सिमम के ग्रेटर और इक्वल टू है या नहीं। था तो हम लोगों ने उसको दो मशीन वाले सम में कन्वर्ट किया, दो मशीन वाले कन्वर्ट किया, ये दोनों को एड एड करते थे, 7+1, 6+4, 9, और ये बीच वाली मशीन को इसके साथ भी एड किया। दो मशीन में कन्वर्ट करके हमने सीक्वेंस निकाला, सीक्वेंस यूज किया, टेबल बनाया एंड फाइनल आंसर देखा। तो यहाँ तक आपका सीक्वेंसिंग खत्म हो गया। इनकेस अगर इसमें से कुछ सम्स नहीं समझेगा तो मैसेज कर देना, बाकी के सब सबको होमवर्क है जो मेरे को कम्प्लीट करके सेंड कर दें। यहाँ पर आपका मैथ्स का ये वाला चैप्टर खत्म हुआ, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर चलो।